स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में, मैं हूं आपके साथ जो बढ़ते हैं खबरों की ओर। 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले 2024 की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 दिन बाद शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही हरिद्वार से जल भरकर जाने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ पटरी, पेयजल, सीवर और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान वाटर एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी, जो कांवड़ यात्रा के दौरान लगने वाले जाम के दौरान बहुत उपयोगी साबित होगी। जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी और एक मिथक तोड़ने का काम किया, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमारा ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हमारा पूरा हो गया। तो कांवड़ मेले की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां तैयारियों को लेकर बातचीत की गई अधिकारियों के साथ। तो बता दें 22 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से विकास चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, 22 जुलाई से जो है कांवड़ मेले यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, अब इसको लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव है और उन्होंने तैयारियां जो है कहा है कि शुरू हो चुकी है, साथ ही इसको लेकर बैठक भी की है अधिकारियों के साथ। देखिए, आज मुख्यमंत्री हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, विशेष तौर पर कांवड़ यात्रा को लेकर, और उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह से पिछले सालों से उनके जो अनुभव रहे हैं, सरकार के जो अनुभव रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, उससे और आगे बढ़ते हुए और सुविधाओं को कांवड़ियों के लिए मुहैया कराते हुए इस बार भी कांवड़ और अच्छी कराने का उनका प्रयास रहेगा। चाहे बात करें कांवड़ पटरी की, या फिर शौचालयों की, या लाइट की, या जिस तरह से जो सालों में हमने देखा है प्रदेश सरकार बढ़ चढ़कर कांवड़ियों का स्वागत करती है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री आके आकर कांवड़ियों का स्वागत करते हैं, तो उससे और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा है कि वो और अच्छा अनुभव लेके जा सके कांवड़, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर करने जा रहे हैं। उन्होंने अनुमान भी बताया कि जिस तरह से पिछले साल 4 करोड़ लोग यहाँ पर कांवड़ लेने के लिए आए थे, तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ज्यादा इस बार आने की संभावना है, तो उसके ध्यान में रखते हुए भी तैयारियां जोर शोर पर की जा रही है। और अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो 10 दिन अभी बचे हैं उनमें सभी कार्य पूरे कर लिए जाए, और ताकि जो भी कांवड़िए यहाँ पर आए उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार क्योंकि कांवड़ी मार्ग में अक्सर यह देखा जाता है कांवड़ के दिनों में कि जो हाईवे है या लोकल जो सड़कें हैं उन पर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति देखने को मिलती है, और जिसके कारण से कई जो मरीज हैं उनको आने जाने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। तो जी बिल्कुल, और 22 जुलाई से जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में मॉनसून भी चल रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारियां और किस तरह के दिशा निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिए, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो है हाईवे बंद होने की, सड़कें बंद होने की खबर भी प्रदेश से लगातार सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जो मार्ग है अगर हम बात करें तो कांवड़ियों के लिए कांवड़ पटरी का रहता है, उसकी मरम्मत का काम लगातार यहाँ पर जारी है, और मुख्यमंत्री ने खुद सख्त निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि
दस दिन जो बचे हैं उनमें ये सभी कार्य पूरे कर ले अधिकारी, ताकि जो कांवड़िया हैं उनकी सुविधा, उनको कोई असुविधा ना यहाँ पर हो। इसमें आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं बताना था कि इस बार पहली बार होगा कि जब वाटर एम्बुलेंस यहाँ पर चलाई जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जहाँ कांवड़ियों को सुविधा होगी तो वही लोकल अगर कोई किसी तरह का कोई बीमार होता है उसको आने ले जाने में वो सुविधा यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा। तो एक पहल मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर वाटर एम्बुलेंस के तौर पर पहली बार की जा रही है जी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि हरिद्वार से जल भर कर जाने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर खास बातचीत इस बैठक के दौरान की गई है। और क्या कुछ खास वो सुविधाएं होंगी जो श्रद्धालुओं के लिए राज्य में उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि जो श्रद्धालु है, भक्तगण है, जो दर्शन करने जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह की जो मुश्किल है वो ना हो। इस बार जिस तरह से कांवड़ पटरी मैंने बताया, उसके साथ साथ जो डांस कांवड़ आती है उसके खास तौर पर उनके डाइवर्जन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी तरह से कोई भी असुविधा वहां पर ना हो, ताकि जो आखिरी के तीन दिन होते हैं उसमें बड़े क्रूशियल होते हैं और वहां पर सभी जान की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। वहाँ सारी अगर पिछले वर्षों की बात करें तो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं अस्तव्यस्त यहाँ पर दिखाई देती है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ अधिकारियों को कहा है कहीं ना कहीं इसको पहले से दुरुस्त रखे, ताकि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ना हो। खासकर उसे हरिद्वार की तरह से नेशनल जो पार्क है उससे यहाँ पर दोनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर जब कोई जंगली जानवर की वजह से किसी तरह की कोई समस्या कांवड़ियों को ना आए। इस बार जो है कितने श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें वहां भी पहले के मुकाबले अब जो है श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मॉनसून के चलते जो है श्रद्धालु जरूर कम हुए हैं। और अगर हम 22 जुलाई से जिस तरह कांवड़ यात्रा की बात करें, क्या लगता है क्या इस मॉनसून का असर इस दौरान जो है श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, क्या श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी? पिछली बार 3-4 करोड़ से पर जो श्रद्धा कांवड़िया यहाँ पर आए थे और इस बार अनुमान है कि उससे कहीं ज्यादा आएंगे। अगर हम बात करें जिस तरह से कांवड़ को लेकर अगर मानसून की जो है उसमें कहीं ना कह सकते हैं कि उसका असर यहाँ पर कमी दिखाई देता है, क्योंकि मानसून में कहीं ना कहीं जो कांवड़िया आता है उसके लिए राहत ये रहती है कि जो गर्मी है उसको कोई बहुत राहत यहाँ पर चलने में, पैदल चलने में यहाँ पर रहती है। तो कह सकते हैं कि उसका असर तो क्योंकि हर बार की जो सावन है उसमें यही देखने को मिलता है कि हर बार जो कांवड़ियों की संख्या वो और बढ़ती जाती है, पर इस बार भी सरकार का अनुमान है कि वो 4 करोड़ से जो पिछला है उसके रिकॉर्ड को भी इस बार जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर तोड़ेंगे जी। विकास, श्रद्धालुओं की बात करें, श्रद्धालुओं को मॉनसून सीजन को देखते हुए क्या सरकार ने जो तैयारियां पूरी की है वो पर्याप्त होंगी? देखिए अभी जो तैयारियां, क्योंकि अभी 10 दिन बाकी है, मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तैयारियां अभी चल रही हैं, वो समय रहते पूरी होती हैं या नहीं हो पाती हैं ये जब कांवड़ शुरू होगा 22 तारीख को उस समय बिल्कुल पता चलेगा कि कितनी धरातल पर जो तैयारियां हैं वो उतरी थी। हालांकि अभी जो तैयारियां हैं वो फिलहाल अभी जारी हैं, कांवड़ पटरी का मार्ग हो चाहे लाइट व्यवस्थाएं हो चाहे अन्य व्यवस्था हो, कह सकते हैं कि अभी 10 दिन जिस तरह से तेज है वो आने वाले समय में इस तरह से जमीन पर जो हकीकत फाइलों में जो बातें हैं जो अधिकारियों की जो कहने की बातें हैं कि वो समय से ऐसे पूरा कर लेंगे काम को, वो जब कांवड़ शुरू होगा तो कितनी जमीन पर उतरेंगे देखने वाली बात रहेगी जी। इस दौरान अधिकारियों को श्रद्धालुओं को लेकर साथ ही इस यात्रा को लेकर और क्या हिदायतें दी गई है, क्या सतर्कता बरतने को कहा गया है, किस तरह से जो व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए गए? देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर जहाँ पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर रहती है, चाहे रूट डायवर्जन हो चाहे कांवड़ यात्रियों को जो उनका रूट है उस पर चलाने की व्यवस्था है, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, तो पुलिस के लिए काफी कह सकते हैं कि चैलेंज यहाँ पर रहता है कांवड़ यात्रा। वहीं अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है, उसकी तरफ से भी जगह जगह कैंप यहाँ पर लगाने की मुख्यमंत्री ने बात कही है। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पर मेले के दौरान जो भी जिस तरह की दुकानें लगाएंगे उन पर लिस्ट जरूर होनी चाहिए, ताकि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो कि यात्री और व्यापारी में यहाँ पर आमना सामना हो, ऐसी कोई स्थिति ना आए। कहीं अगर हम बात करें जिस तरह से जंगल की मैंने आप बात कही, जैसे पार्क की दोनों तरफ से पार्क है, तो जंगलात वाले को भी जिसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वो भी निगरानी रखे, ताकि कोई जानवर की वजह से किसी कांवड़ को कांवड़िए को कोई असुविधा यहाँ पर ना हो। तो कह सकते हैं
विकास बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर रुड़की से है जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है और सरकार की तरफ से किसी भी शुभ भक्त को परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। समीक्षा बैठक ले रहे हैं, मैं भी बैठक ले रहा हूं और बहुत अच्छी हम तैयारी करेंगे कांवड़ यात्रा में कि ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न रहे। और उत्तराखंड परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति EFC की बैठक की। बैठक के दौरान CS ने परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के बजट को मंजूरी दे दी है। साथ ही CS ने नियोजन विभाग के अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के लिए विंडर चयन को अगले एक महीने का टाइम दिया है। इसके साथ ही CS ने इस संबंध में डाटा सिक्योरिटी पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र CM कॉन्क्लेव का एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं या कल्याणकारी वितरण सिस्टम को देखते हुए राज्य सरकार नियोजन विभाग के जरिए नागरिकों और उनके परिवारों का एक गतिशील और लाइव डाटाबेस तैयार करना चाहती है, जिसके जरिए लाभार्थियों से संबंधित अपडेटेड और वेरिफाइड डेटा को उनकी संबंधित योजनाओं सेवाओं के लिए विभागों के साथ साझा किया जा सके। और खबर देहरादून से जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के साथ विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे आस्था पर चोट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले वैदिक परंपरा के विपरीत चार शंकराचार्यों के अलावा अपने दर्जनों शंकराचार्य बनाए और इसी तरह अब ज्योतिर्लिंगों की महिमा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ईश्वर मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं। उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां चार धाम विराजते हैं और आप उसको डेंट पहुँचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाजियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी तमाम जो किचन कैबिनेट है उसने, और इसका विरोध होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि आप जो है ये कोई जियो या किसी वेबसाइट वगैरह का आउटलेट नहीं है कि आप पूरे देश भर में खोलते चले जाएंगे। लोगों की प्रगाढ़ आस्था है केदारनाथ धाम में और आज का नहीं, आदिकाल पुराना हमारा ये मंदिर है, अब आप उसका रेप्लिका खोलने लगे हैं पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हिंदू धर्म के जो झंडा बरदार बनते हैं ये अज्ञानी लोग हैं और ईश्वर इनको सद्बुद्धि देगा, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और मंगलौर उपचुनाव में मतदान के बीच लिबरहेड़ी में पथराव होने पर बवाल हो गया था जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद हलका दरोगा ने 8 नामजद के साथ 100 से ज्यादा अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश में जुट गई है। बढ़ते आगे खबर रुड़की से, जहां उपचुनाव के दौरान दरोगा के धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में एक दरोगा साहब एक महिला की आईडी को फर्जी बताकर उसके साथ आए युवक को गाली गलौज करके बूथ से भगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उसी मतदान केंद्र पर मौजूद एक पोलिंग एजेंट ने बताया कि उनके मतदान केंद्र पर जिस युवक के साथ गाली गलौज की गई उसकी आईडी बिल्कुल सही थी। इतना ही नहीं, खुद पोलिंग एजेंट को भी वोट नहीं डालने दिया गया और बाद में मतदान को बाधित भी किया गया ताकि लोग पूरे वोट ना डाल सके और भाजपा प्रत्याशी को फायदा पहुंचाया जा सके। मैं बूथ नंबर 28 का एजेंट था, 27-28 दोनों बूथ एक ही थे, ये रहा मेरा कार्ड। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से मेन जो बात है, जो एजेंट था, एजेंट का तो वहाँ से काम ही नहीं था कुछ, क्योंकि वहाँ से जो वोट गिरवा रहा था प्रशासन गिरवा रहा था, चुनाव आयोग भी नहीं गिरवा रहा था। एजेंट को तो सिर्फ एक काम कर रखा था कि आप बाहर बैठ जाइए,
आपका काम बाहर बैठने का अंदर का नहीं है, तो बारी पे बैठे थे भी अच्छा हुआ कि चलो हम बारी बैठे थे। तो प्रशासन ने 3-4 मरतबा ऐसा करा के लगी लाइने के कई से लोगों को बदतमीजी गाली गलौज करके उन्हें भगा दिए, उनके दिलों में दहशत बिठा दी। उसके बाद लोगों ने आना शुरू कर दिया, फिर भी 4 बजे करीब की बात है, 3:30-4 बजे ये टीम फिर तीसरी चौथी बार आती है और ये आईडी चेक करती है महिला की। उस टाइम पर हम कुर्सी पर बैठे बरोबर में बारी पर बैठे थे, आईडी चेक करने के साथ दूसरी जो गाली गलौज शुरू कर दी, लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया कि भाई फिर लाठीचार्ज होगी। उसके बाद आईडी चेक करने के बाद बताया गया कि तुम फर्जी वोट डाल रहे हो, ये फटी हुई आईडी उनके हाथ में आ रही है, ये रही, ये चेक भी कर सकते, उसमें नाम वाम लिखा हुआ भी आ रहा है, क्लियर हो भी जाएगा। और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन करने वाला जिला है। बड़े पैमाने पर इस जिले में हर मौसम में फसलें होती है, लेकिन बीते 4 से 5 दिनों में हुई भारी बारिश से उधम सिंह नगर जनपद में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों की धान की खेती भी बर्बाद होने के कगार पर है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उधम सिंह नगर जनपद का दौरा किया। कृषि मंत्री का कहना है कि कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों को सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए कहा गया है। किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर मदद की जाएगी। पीछे कुमाऊं के अंदर 50 साल के अंदर, जैसा कि वहां जाके जानकारी मिली आपको, कितनी भयंकर 50 साल के बाद बारिश हुई, जिससे कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, तटबंध टूट गए हैं, 1500 से अधिक परिवारों को हमने विस्थापित किया है, उनको विभिन्न स्कूलों में रखा है। मैं सारे कैंप्स में गया था, फौज क्षेत्रों में गया था, और मैं शाबाशी देना चाहूंगा अपने 11 पंजाब के जवानों के, जब चक्रपुर में जिन मंत्री पर वर्खा थे उन लोगों से मिला, पहली बार मैंने देखा कि जनता में सरकार के प्रति कोई रोष नहीं। वो ये कह रहे थे कि साहब रात को अगर ये 2 बजे नहीं आते, छत काट कर हमें निकालकर नाव से बाहर नहीं लाते, तो आज हम जीवित नहीं होते। मैं एसडीआरएफ के वहां के डीएम एसएसपी को शाबाशी देता हूं। और हल्द्वानी में एक बार फिर से कलसिया नाले ने अपना प्रकोप दिखाया है। पहाड़ों में हुई भारी बारिश का सारा पानी एक साथ कलसिया नाले में आ गया, जिसके चलते नाले के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया और अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को घरों से दूर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, जिसके बाद नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। वहीं भारी बरसात को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बारिश का जो कहर है वो लगातार जो देखा जा रहा है जिस तरीके से, और अब जो है कलसिया नाले ने भी अपना जो है रुद्र रूप पकड़ लिया है, किस तरह के मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और लोगों के लिए काफी मुश्किलें हो गई? बिल्कुल जूही, आपको बता दूं कि जो नैनीताल जिले में एक बार फिर से मौसम ने अपना रुख बदला है और कल देर रात से यहाँ पर जो नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाके वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, और जिसका असर सीधे सीधे हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में कलसिया नाला, क्योंकि पहाड़ में जो बारिश होती है उसका पानी सीधे कलसिया नाले में आता है और ये नाला बेहदी उफान में आ जाता है, और उसी के तहत लगातार यहाँ पर दिक्कतें होती है, और यही नजारा कल देर रात देखने को मिला। यहाँ पर लगातार जब बारिश हुई पहाड़ों में, तो वो पानी सीधे जब कलसिया नाला में आया तो ये नाला बेहद उफान में था और रौद्र रूप में कहीं नहीं कह सकता कि वह नाला आ चुका था। जो यहाँ नाले के अगल बगल जो घर बने हुए हैं वहां पर ये नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अमित, कितने घर जो है इस नाले में जिस तरीके से पानी उफान पर है, कितने घर इसके चपेट में आए, प्रभावित हुए हैं? हाँ देखिए बिल्कुल, क्योंकि कैसे नाले की अगर बात करें तो अगल बगल जितने यहाँ पर मकान है, सैकड़ों की संख्या है मकान, उसमें जो नाले के बेसिस करीब मकान बने गए, हालांकि प्रशासन से कहा भी गया कि अवैध मकान है, लेकिन उसमें लोग लगातार रह रहे हैं, और लोगों को लगातार यहाँ पर निर्देश भी किया गया था, अलर्ट भी जारी किया गया था, और कुछ लोग यहाँ से जिन घरों में बेहद ही पानी का बहाव तेज था उन घरों से यहाँ लोगों को हटा करके यहाँ सुरक्षित बचाया भी गया है। एक इंटर कॉलेज काड़ुगाम इंटर कॉलेज में उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है, खाने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से नाले में जो अत्यधिक पानी आ रहा है
उससे आसपास अमित शाह पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, फिर लोग क्यों नहीं पहुंचे यहाँ से, जिस तरीके से अब लोगों को जो है अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कराया जा रहा है प्रशासन की ओर से, हालांकि आपने बताया कि पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। देखिए यही दिक्कत प्रशासन के सामने आ रही है, क्योंकि ये जो नगेश्वर नाले के आसपास जो लोग रह रहे हैं उसको प्रशासन ने अवैध यहाँ पर घोषित किया है और उस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन मानवता के नाते कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन अनुरोध कर रहा है कि अपनी ये जगह को छोड़ दीजिए, मानसून शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कह करके यहाँ से हटने को तैयार नहीं कि उनके जो आख्यान है वो यही है, यहाँ से वो कहाँ जाए। तो यही वजह है कि उनको लगातार यहाँ पर चेतावनी के बाद लोग यहाँ नहीं हट रहे, लेकिन जब कल रात को जो मंजर था वो बेहद ही भयानक था, पानी इतनी तेज गति में बह रहा था कि लोगों को यहाँ नुकसान हो सकता था, और एक युवक भी यहाँ पर इस कल्चर नाले में बहने की खबर मिली है, उसकी बाइक हालांकि बरामद कर ली गई लेकिन उसकी बॉडी की तलाश अभी भी जारी है। तो इतनी यहाँ पर दिक्कत होने के बावजूद भी लोगों को नहीं हटाया, लोग हटने को तैयार नहीं, उसके बाद प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है और लोगों को कम से कम ये समझना होगा कि जी। अमित बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जो है पानी का कहर, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और लोग जो है अब उन्हें शिफ्ट कराया जा रहा है प्रशासन की ओर से। वही पिरान कलियर पुलिस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की संयुक्त छापेमारी कर 11 पुरुष 8 महिलाओं को एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही गेस्ट हाउस से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद किए गए हैं। वही देव व्यापार के धंधे में लिप्त सभी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुस्तफा और रशीद काफी समय से गिरोह बनाकर बाहर की गरीब लड़कियों और महिलाओं से देव व्यापार का धंधा करा रहे थे। तो 11 पुरुष और 8 महिला गिरफ्तार किए गए हैं और सभी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और देव व्यापार का यह मामला बताया जा रहा है रुड़की से, जहां एक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापेमारी की और इन सभी को हिरासत में लिया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।